जब इलेक्शन करीब आएंगे तब निकल आइएगा, अब इस टाइम आप बाहर क्या कर रहे हैं? तलक वास्ती के ऊपर या बड़े ऊपर वाले लीडर की पसंद नापसंद की वजह से टिकट लेके तो ऊपर से स्काई लैब बन के आ जाते हैं और हकीकी नुमाइंदा होने का सबूत नहीं देते। तो आप कन्विंस किस तरह से लोगों को करते हैं, क्योंकि हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का आपस में मिलना जुलना और सारी चीजें, पाकिस्तान ने अभी तक इसको संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जस्ट वन टीवी के ऊपर आप देख रहे हैं द शो कैटलिस्ट, मैं हूं बासम नसर। अगर हम सियासत की बात करें और सियासतदानों की बात ना करें तो बड़ा अनफेयर होगा। सियासतदानों से हम अक्सर सुनते हैं कि सियासत उनकी ड्यूटी है, अवाम के लिए बेहतरी और अवाम के लिए अच्छे काम करना उनकी ड्यूटी है, और वो अवाम को अपना खादिम भी कहलवाना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे पूछना यह है कि क्या ये ड्यूटी सिर्फ उस वक्त के लिए है कि जिस टाइम पे इलेक्शन आने वाले होते हैं या कोई सियासी या पार्टी का कोई मुफाद हो, जिस टाइम पे अवाम को उनकी सख्त से सख्त जरूरत होती है उस टाइम पे ये ड्यूटी खत्म हो जाती है? अगर हम बात करें आजकल के टाइम की कोरोना वायरस की, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सियासतदान आकर रोड पर खड़े हो जाएं, लेकिन अगर हम ग्रास रूट लेवल पर बात करें, अपने MNAs की बात करें, MPAs की, बल्दियाती निज़ाम के अंदर जो लोग हैं, लीडर का काम होता है कौम को राह दिखाना। चाहे वो एक गली है, एक मोहल्ला है, कोई घर है, एक सोसाइटी है, कुछ भी है, वो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। बहुत सारे देहाती इलाके हैं जहाँ पर TV भी नहीं आता, जहाँ पर रेडियो तक नहीं है, उधर लोगों को अगर कोई COVID-19 या कोरोना वायरस के बारे में बताएगा भी तो शायद उस तरह से उनको आगाही ना मिल सके। ये वहाँ की लोकल लीडरशिप का काम है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ें तो हम अगर सियासतदानों की बात करते हैं तो जो तमाम सियासतदान है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो अपोजिशन है, उसके अंदर जो हमें जो भी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर लोग नजर आ रहे हैं या इवन नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग नजर आ रहे हैं, वो हमें आगाही देते नजर नहीं आ रहे। लेकिन इसी के अंदर अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, क्योंकि हर जगह पे एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं, और पॉजिटिव एक्सेप्शन की बात करें तो मैं सियालकोट आपको लेके जाना चाहूंगा कि सियालकोट से हमें जो मेहमान ज्वाइन करे, इज ए यंग लॉयर, इज ए पॉलिटिशियन और PTI से उनका ताल्लुक है। हाउएवर, नो ऑफेंस टू एनीबडी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अपनी उनकी पार्टी के लोग मुझे बिल्कुल मुतरक नहीं नजर आते ऑन नेशनल लेवल एंड ऑन ग्राउंड लेवल्स। लेकिन इनको ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इनकी वर्किंग देख रहा था, इनको सलूट है इस बात पे। मैं वेलकम करना चाहूंगा सईद अहमद भली साहब को। सईद भाई, वेलकम टू द शो। मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग बांट रहे हैं, और ये बहुत जबरदस्त बात है और बहुत अच्छी बात है कि आप सैनिटाइजर्स दें, खाना दें और ये सारी चीजें। ऑन द अदर हैंड, मैंने आपको देखा कि आप मकामी जुबान के अंदर, जो लोग शायद जिनको प्रॉपर आगाही नहीं थी, आप उनको मकामी जुबान के अंदर उनको आप बता रहे हैं COVID-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, आप उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, आप उनको सैनिटाइजर से हाथ साफ करने का, उसके बाद प्रॉपर हैंड वॉश करने का तरीका, मास्क यूज करने का तरीका, और साथ आप ये चीजें प्रोवाइड भी कर रहे हैं। मुझे पूछना ये है कि अगर हम रिवायती सियासत की बात करें, सियासतदानों की बात करें, तो आप जब इलेक्शन करीब आएंगे तब निकल आइएगा, इस टाइम आप बाहर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो बासम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे सियालकोट की नुमाइंदगी का मौका दिया। मैं अर्ज करूँ कि जहाँ तक तो इस बात का तल्लक है कि जो सियासतदान और सियासी नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन की बारी आती है या इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो हल्के में वो लोगों से मोहब्बत भी उनकी बढ़ जाती है और हल्के में आना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा ये वजह है कि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो हकीकी मानों में अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, और वह अवाम के नुमाइंदे इसलिए नहीं होते या उनको अवाम की ज़रूरत सिर्फ इलेक्शन पे इसलिए पेश आती है कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातों के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है या उनका जिस तरह से लोग ऊपर आते हैं वो एक जो उनका सिलसिला है वो काबिल सताइश नहीं है। अगर तमाम सियासी जमातों में जो प्योर डेमोक्रेसी होगी, लोग एक सिस्टम के तहत से ग्रास रूट लेवल से ऊपर आएंगे और लोग समझेंगे कि पहले नंबर पे हमने अपनी जमात में स्ट्रगल करनी है, हमने साबित करना है कि वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, तो तब जाकर पार्टी ने उनको जो है इनकरेज करना है और पार्टी ने उनको टिकट देने है और वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है। आपके सामने जो 2-3 जमातों जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर बारी बारी से हुकूमत की, वहाँ जिस बंदे को वो टिकट दे देते हैं लोग उनको वोट दे देते हैं। लेकिन रीज़न यही है कि हकीकी नुमाइंदे इसलिए आज तक नहीं आ सके इस मुल्क में कि लोग समझते हैं कि हम ऊपर से किसी भी जमात का टिकट लेके आ जाएंगे, लिहाजा हमें अवाम की उस तरह से ज़रूरत ही नहीं है। अवाम की मजबूरी होगी कि हमारे पास PMLN का टिकट है, हमारे पास PTA का टिकट है, हमारे पास पीपल्स पार्टी का टिकट है, वो समझते हैं कि हमारा टिकट ही हमें जिताएगा या हरवा देगा। अगर
जमातें सिर्फ हकीकी कारकुनान जो ग्रास रूट लेवल से स्ट्रगल करते हुए ऊपर आएंगे, तो फिर डेफिनेटली लोगों को, जो अवामी नुमाइंदों को लोगों के अंदर रहना पड़ेगा। आपने जो बयानिया पेश किया उसमें बहुत से सवालों के जवाब भी आपके बयानिए में ही मौजूद हैं। जहाँ तक आपने कहा कि मेरा अदर सियासतदान जो हैं वो शायद ये कोरोना से डरते हुए या अपनी प्रोटेक्शन के नुक्ते नज़र से अभी तक फील्ड में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि जो हम लोग जो खुद को समझते हैं कि हम इस सोसाइटी को लीड करते हैं, तो हमारे ऊपर ये हमारी ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अगर हमारे लोगों के ऊपर, इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है या ये COVID-19 की ये जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो अगर हम जो लीडिंग लोग हैं किसी इस सोसाइटी में, जो अपने आप को लीडिंग समझते हैं, या वो हम कहते हैं कि लोग हमें लीडर कहें या लोग हमें अपना नुमाइंदा कहें, तो हमारी ये बेसिक ऑब्लिगेशन है कि कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है, हम बाहर निकलें, हम कौम को मोटिवेट करें, लोग उनको मोटिवेट करें, उनको वो बताएं कि इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं। और जो नीडी लोग हैं हमारे इस मुल्क में 25% से जो तकरीबन 25% आबादी जो गुरबत के लिए किसी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनका जाके हाल पूछना होगा, वो क्या उनके घर में रोटी भी पक रही है नहीं पक रही, क्या उनके बच्चों को दूध मिला या नहीं मिला। तो मैं जो बुनियादी वजह समझता हूँ कि मैं, जहाँ तक मेरी बात आपने की कि मैं अगर फील्ड में हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि बीइंग सोशल वर्कर और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मेरी ये जिम्मेदारी है, या तमाम जो हमारे सियासी पॉलिटिकल लोग हैं या अदर मुक्तवाई फिक्र से लीड करने वाले लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस कड़े वक्त में बाहर निकलें, क्योंकि तमाम 100% लोग अंदर नहीं बैठ सकते। जो लीडिंग लोग हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा अपनी प्रोटेक्शन करते हुए, अपने तमाम प्रिकॉशंस अडॉप्ट करते हुए, जो है लोगों को सैनिटाइज करने का, हाथ सैनिटाइज करने का, लोगों को मास्क यूज करने का तरीके बताएं, लोगों में तक पहुंचाएं वो चीज़ें जो लोग नहीं पहुंच ले सकते, या लोग जो खाना नहीं खा सकते, जिनके पास रोटी नहीं है, उन तक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी हैसियत से बढ़कर उन तक पहुंचे, लोगों की हमारे साथ तवक्कुआत हैं। तो दूसरा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बड़ी जो वजह है कि आज तक जो बेहतर नुमाइंदे या बेहतर लीडरशिप ग्रास रूट लेवल से ऊपर नहीं आ सकी, तो वह यही रीज़न है कि यहाँ पे 2-3 जमातों ने किसी न किसी तरह से हुकूमत की है, और जमातों में खुद डेमोक्रेसी मौजूद नहीं है, और लोग किसी न किसी वास्ते के साथ, तल्लक वास्ते के ऊपर या बड़े ऊपर वाले लीडर की पसंद नापसंद की वजह से टिकट लेके तो ऊपर से स्काई लैब बन के आ जाते हैं और हकीकी नुमाइंदा होने का सबूत नहीं देते। यहाँ से हम बात को आगे लेके चलते हैं। सईद भाई, अगर देखा जाए तो अगर मैं सियालकोट को फॉलो करूँ तो मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इंक्लूडिंग DPO, जो DC हैं सियालकोट के, AC हैं जो रिस्पेक्टेबल लेडी, और उसके अलावा तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग, जो मेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल्स हैं, मुझे बड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं, और आपका कोऑर्डिनेशन भी मुझे शायद उनके साथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप फर्दर एलैबोरेट करें कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ऑन ग्राउंड है, आप भी ऑन ग्राउंड है, आप मेरे नोटिस में चीज़ें हैं, आप काफ़ी बैकवर्ड इलाकों तक के अंदर जा रहे हैं, तो आपका और ये जो कोऑर्डिनेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये कोऑर्डिनेशन किस तरीके से जा रहा है, और आप कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, ताकि कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर बाकी शहरों में भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो सियालकोट को एक टेस्ट केस सामने रख के देखें कि किस तरह बेहतरी से वहाँ पर काम हो रहा है। बस मैं आपके जस्ट वन TV के प्लेटफॉर्म से, मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DPO सियालकोट का, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर और अदर्स जितनी भी उनकी टीम है या मेडिकल स्टाफ, उनको हराज तसीम पेश करना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ पूरे कोऑर्डिनेशन में है, और वो सियालकोट के शहरियों के लिए, सियालकोट के वासियों के लिए वो जितना भी कुछ कर सकते हैं वो अपनी तमाम तक वो उसमें लगा रहे हैं। तो मैं, जहाँ तक आपकी कोऑर्डिनेशन की बात है, तो मैं अर्ज़ करूँ कि हमने जो, जहाँ मैंने अजीम काम के नाम से एक जो ये मूवमेंट शुरू की हुई है इस COVID-19 से निपटने के लिए, उसमें हमारी पूरी एक टीम काम कर रही है, क्योंकि हम सियालकोट के ज़्यादातर इलाकों का मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उन वह कौन सा जो सियालकोट का एरिया है वो कितना बैकवर्ड है, वो कितना मतवसत है, किस जगह पे कितने गरीब लोग हैं, कहाँ पे हमारी ज़रूरत है, कहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जहाँ तक हमारा ज़ाती हैसियत में या मेरी टीम हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम खुद करते हैं, अगर हम समझते हैं कि ये काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है फौरी तौर पे कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं।
तो इसमें इस फोरम से ये भी पैगाम देना चाहता हूँ जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि तमाम शहरों में, तमाम तहसीलों में, तमाम सब रीजन में, तमाम यूनियन काउंसिल में ज़रूरत है कि यूनियन काउंसिल वार्ड्स लेवल के जो ऊपर लोग हैं वो मतहरक हों, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट से बैठा हुआ DPO है या DC है वो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता जितने अच्छे ग्रास रूट लेवल पे जो लोग वार्ड लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं वो कर सकते हैं। तो हम पूरी एक, चूँकि एक टीम की सूरत में काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके तो जो इस COVID-19 से निपटने के लिए उसमें आम लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सईद भी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि मैंने एक पिक्चर देखी सोशल मीडिया पे कि एक पुलिस वाला हाथ जोड़कर एक बुजुर्ग से कुछ बात करना चाह रहा था, शायद उन्हें मना करना चाह रहा था या कुछ आगाही देना चाह रहा था। मुझे ये पूछना है कि आप ऑन ग्राउंड हैं देहाती इलाकों में, शहरी इलाकों में, तो आप कन्विंस किस तरह से लोगों को करते हैं, क्योंकि हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का आपस में मिलना जुलना और सारी चीज़ें, आप उन लोगों को किस तरह से प्रोडक्टिवली कन्विंस करके अपनी बात मना लेते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। और उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्रोटेक्टिव मैयर बहुत ज़रूरी है, और मैंने देखा है कि आपने प्रोटेक्टिव मैयर लिया होता है, मास्क और वो ग्लव्स पहने होते हैं, और भी बहुत सारे लोग निकलना चाह रहे हैं और निकले हुए भी हैं, पर उनकी अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका इसके ऊपर क्या मैसेज होगा कि वो अपने लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लें और किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकें बेहतरीन तरीके से? बस कोरोना को लेके मेरा जो हमारे पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि हमारे पाकिस्तानी अभी तक इसको संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। इवन कि मैं रिमोट एरियाज में जाता हूँ, जब अपनी टीम के साथ रिमोट एरियाज में जाता हूँ तो वहाँ भी हम देखते हैं कि जो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग शहरी हैं, जो हमारे पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो उनको अभी तक भी जो है कोरोना की संजीदगी का या कोरोना के मुतल्लिक बिल्कुल भी आगाही नहीं है। तो हमें ये बहुत बड़ा हमारे आगे ये चैलेंज है कि उन लोगों को कन्विंस करना कि पहले नंबर पे तो हम उनको आगाही देते हैं कि ये एक बीमारी है और यह उस ये किस हद तक ये क्रोनिक वायरस है, तो उसके बाद हम उनको इससे जो है बचने की प्रिकॉशंस देते हैं और उनको जो इसके गियर्स हैं या उसको जितने उसके सैनिटाइजर्स हैं या उनको हाथ धोने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेरी इस मुल्क में, इस पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी इस आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश है कि हमें इस पूरी कौम को कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ तक हो ये पैगाम पहुँचाएँ। और आपका जो है, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने इस चैनल के थ्रू ये कोरोना के ऊपर जो है प्रोग्राम किया, और ताकि हम इसको इस आगाही मुहिम का हिस्सा समझें और तमाम लोगों तक ये कोरोना से बचने के लिए या गरीब लोगों तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं एक पैगाम पहुंचेगा। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन बासम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं तमाम लोगों को जो फ्रंट लाइन के ऊपर, चाहे वो किसी भी इदारे से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी सोशल सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग जो फ्रंट लाइन के ऊपर, जिसके अंदर सफाई करने वाला स्टाफ, तमाम लोग जो फ्रंट लाइन के ऊपर आके इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के बाकी शहरों की बेहतरी के लिए खुद फ्रंट लाइन बने हुए हैं कि बाकी लोग इससे बच सकें या एटलीस्ट वो उनके लिए बेहतरी पैदा करें, इन सबको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। सी यू नेक्स्ट वीक, कीप वॉचिंग जस्ट वन TV।